हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर अनमीर। आज हमें कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हम बीमारियों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं जिनमें से एक विटामिन्स होता है जिन्हें हम जीवन सत्व के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन्स यानी कि जीवन सत्व, ये ऐसा घटक होता है जिसकी ज़रूरत हर एक जीव को होती है अल्प मात्रा में, जो हमारे को हमारे भोजन में से प्राप्त होता है और जो हमारे शरीर को उचित कामकाज के लिए, साथ ही शरीर के विकसित होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं विटामिन्स के टाइप्स के बारे में, मतलब उसके प्रकार। विटामिन्स को दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें से हम अभी आपको पूरी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विटामिन्स कौन से होते हैं और उनके नेम्स, जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्हें पुकारते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन B1 जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटेथोनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 साइनोकोबालामिन। साथ ही इसके विटामिन सी, जिसे हम एस्कोबिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और के विटामिन को फिलोक्विनोन नाम से जानते हैं। तो अभी इनमें से जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, जिनमें हम शामिल करते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, और बाकी जो बचे हुए विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विच आर एक्सपेक्टेड थ्रू आर बॉडीज। अब इसमें से जो विटामिन B12 होता है ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि कई सालों तक लीवर में स्टोर रह सकता है। अभी हम जानकारी लेते हैं विटामिन के कॉजेस, डेफिशिएंसी के बारे में, मतलब उसके जो कारण होते हैं डेफिशिएंसीज के, उसके बारे में। विटामिन की जो डेफिशिएंसी है ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, जिनमें पौष्टिक आहार का शामिल न होना, माल एब्जॉर्प्शन, कुछ बीमारियां जिन्हें कि हम सीलिएक डिसीज, क्रोन्स डिसीज के नाम से जानते हैं, साथ ही सूरज की जो रोशनी होती है उसकी कमी, जो कि विटामिन डी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, प्लस आपकी उम्र यानी कि एज फैक्टर और जेंडर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है विटामिन डेफिशिएंसी के लिए। हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर रणबीर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन B9 के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो विटामिन B9 को हम फोलेट के नाम से भी जानते हैं। जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन्हें मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं विटामिन B9 के इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले विटामिन B9 B12 विटामिन के साथ में मिलकर हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इन्हें बनाने में मदद करता है, साथ ही DNA के उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसका योग्य मात्रा में कंजम्पशन करते हो तो आपके होने वाले बेबीज यानी कि बच्चे को आप गंभीर बीमारियों से बचा सकते हो, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसमें आती है स्पाइना बाइफिडा जैसी गंभीर बीमारियां। तो चलिए अब जानकारी लेते हैं कि हमारे बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी आखिर कैसे होती है। सबसे पहले आहार में इसका सेवन कम करना, दूसरा कोई बीमारियां जैसे कि सीलिया डिसीज जहाँ पे एब्जॉर्प्शन इसका प्रॉपरली ठीक से नहीं हो पाता है, अल्कोहल यानी कि शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करना, उसके साथ साथ हिमोलाइटिक एनीमिया, प्लस किडनी से रिलेटेड जो बीमारियाँ होते हैं जिसके लिए हम डायलिसिस यूज़ करते हैं, उसमें भी विटामिन B9 की कमी हमें नजर आती है। तो अभी हम इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ मेन सिम्टम्स लाइक ग्लोसाइटिस इसमें नजर आता है, बार बार हमारे जीभ पर जुबान पर सूजन आ जाना, एंगुलर स्टोमेटाइटिस यानी कि हमारे जो ये होंठ होते हैं ये सूखे या लाल पड़ जाते हैं, मुंह में कंटिन्यूअसली बहुत कंटिन्यू रिपीटेडली छाले आना, प्लस चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, ज़्यादा ठीक से प्रॉपरली नींद नहीं होना, कॉग्निटिव डिक्लाइन,
प्लस डायरिया जैसी बीमारियां भी इसमें हो सकती है। बालों का जल्द से जल्द सफेद होना, शारीरिक प्लस मानसिक विकास ना होना, ऐसी इन बीमारियों में इंक्लूड किया जाता है जहाँ पे विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होती है। अब हम जानकारी लेते हैं इसके सोर्सेज के बारे में, हमें ये कहाँ से मिल सकता है। वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन, ऐसे हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज में आप इंक्लूड कर सकते हो शतावरी, ब्रोकोली, चकुंदर, प्लस सूखी जो फलियां होती है वहां पे हरे पत्तीदार सब्जियां, साथ ही मटर, उसके साथ साथ मसूर, चावल, संतरा, और जो मूंगफली हमारी होती है उसका जो मक्खन होता है ना, वहाँ पे भी ये रिच सोर्स होता है विटामिन B9 का। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस इंक्लूड करते हैं अंडा, मांस, मछली, केकड़ा और मुर्गी। तो दोस्तों, अभी विटामिन B9 के बारे में तो हमने पूरी जानकारी दे दी है। ऐसे ही रिलेटेड कोई और बीमारी की इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको आप तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के साथ साथ मेल भी कर सकते हो, जो मैंने अपने मेल आईडी प्रोवाइड किया है उस पर। और हाँ, साथ ही मैंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज प्लस कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, टिल देन टेक केयर, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।